नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी मुश्किल में, भव्य बिश्नोई के नामांकन को चुनौती, निर्वाचन अधिकारी को शिकायत, ईडी के 3 केसों की जानकारी छुपाई गई। इस शिकायत पर निर्वाचन अधिकारी HC शर्मा का कहना है कि हमारे पास जो भी शिकायत आती है उसकी जाँच की जाती है, हम जाँच कर रहे हैं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने SYL मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए पंजाब सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें लगता है कि मान साहब को उनके अधिकारियों ने गलत किताब पढ़ा दी है। केजरीवाल इनका मास्टरमाइंड है। जो पन्ना केजरीवाल ने पढ़ाकर भेजा है, मान ने वही पढ़ा है। गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच हुई मीटिंग यानी SYL नहर बनाने के लिए थी, लेकिन पंजाब CM पानी का रोना रो रहे हैं। वह कौन होते हैं पानी देने वाले? पानी हिमाचल से आ रहा है। हिमाचल जितना पानी हरियाणा को देगा वह हम ले लेंगे, लेकिन वार्ता रास्ते की है। हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव और पंचायत चुनाव से पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम जेल से बाहर आ गया है। शनिवार सुबह वह सुनरिया जेल से निकलकर उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम पहुंच गया है। वहां पहुंचकर राम रहीम ने 2 मिनट 15 सेकंड के लिए वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें राम रहीम ने इशारों में चुनावी संदेश दिया है। राम रहीम ने कहा कि जैसा आपको बोला जाता है मानते रहना, जैसे भी आपको जिम्मेदार लोग बताएंगे वैसा ही करना, मन मर्जी नहीं करनी है। इस बार राम रहीम जेल से बाहर रहकर पहली बार दिवाली मनाएगा। सूर्य ग्रहण मेला कुरुक्षेत्र बनाएगा इतिहास। 5 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे। सिक्योरिटी में तैनात होंगे 6,500 से अधिक पुलिसकर्मी। 20 जोन में बटा मेला परिसर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण मेला लगने जा रहा है। हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर उपचुनाव में करोड़पतियों के बीच मुकाबला होगा। यहां से लड़ रहे 4 प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवार करोड़पति हैं, जिसमें पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह हैं, जिनके पास करीब 9 करोड़ की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर भाजपा की भव्य बिश्नोई हैं, जो करीब 7.5 करोड़ के मालिक हैं। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के जयप्रकाश हैं, जिनके पास 4.25 करोड़ की संपत्ति है। कांग्रेस छोड़ इनेलो की टिकट पाने वाले कोडाराम नंबरदार भी 1.5 करोड़ के मालिक हैं। आदमपुर में 3 नवम्बर मंगलवार को मतदान होगा, वहीं 6 नवम्बर को मतगणना होगी। हरियाणा में 3 चरणों में हो रहे पंचायत चुनाव में राज्य चुनाव आयोग को बूथ कैप्चरिंग, हिंसा और झगड़ा फसाद की आशंका है। पहले और दूसरे चरण के लिए 18 जिलों में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें ऐसे 5,020 बूथ चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव की श्रेणी में रखा गया है। इनमें CMCT करनाल भी शामिल है। सोनाली फोगाट के गुरुग्राम फ्लैट पहुंची CBI जांच एजेंसी ने फ्लैट की तलाशी ली। गोवा जाने से पहले यहीं रुके थे सुधीर व सोनाली। अब तक इस मामले में रिजॉर्ट के मालिक और ड्रग्स सप्लायर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। टीम इंडिया के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी अब जल्द ही फिल्म मेकिंग में उतरने वाले हैं। क्रिकेट के फील्ड में अपने खेल से पूरी दुनिया में लोहा मनवा चुके धोनी अब फिल्मों के क्षेत्र में भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो धोनी साउथ इंडस्ट्री से अपनी फिल्मों की शुरुआत करने जा रहे हैं। अपने पहले प्रोजेक्ट में धोनी ने साउथ के सुपरस्टार एक्टर्स थलपति विजय और महेश बाबू को लेने की योजना बनाई है। सरकार बच्चे के जन्म के साथ ही उसे आधार नंबर देने का प्लान कर रही है। बर्थ सर्टिफिकेट के साथ ही बच्चे को आधार नंबर दिया जाएगा। इस पर 16 राज्यों में ट्रायल चल रहा है। जल्द ही पूरे देश में इसे लागू कर दिया जाएगा। आधार नंबर मिलने के बाद बच्चे के 5 साल और 15 साल की उम्र होने पर उसका बायोमेट्रिक डेटा अपडेट कराना होगा। अमूल का दूध फिर 2 रुपए हुआ महंगा। अब 1 लीटर दूध के लिए चुकाने होंगे 63 रुपए। इस साल तीसरी बार बढ़े दूध के दाम। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।